जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक शायद आपने पिछले सेमेस्टर में भी डॉक्टर उस्मा के साथ कुछ ना कुछ इसे डिस्कस किया हो, लेकिन बहरहाल मैं इसे बिल्कुल शुरू से दोबारा से डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडलिंग पे बात की है, और रिसेंटली हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का टॉपिक खत्म किया है, जिससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। लेकिन बहरहाल पहले आज हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और फिर जब हमारा ये लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे तो इस वीक में आपको उससे रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट भी दे दूंगा। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ये टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जिसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई अजम्पशन, और उर्दू में आपके लिए मफरूजा, ऐसा मफरूजा या अजम्पशंस जिसे आपने अभी टेस्ट करना है। और जाहिर है जब हम कोई चीज़ अज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि वो सच हो, या ये भी मुमकिन है कि वो सच ना हो। तो उसको टेस्ट करने के जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है वो हमारा इस लेक्चर का हिस्सा है। इस लेक्चर में अभी हम जाहिर है न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जा सकेंगे, लेकिन अभी हम कुछ इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, और फिर हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ भी आ सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर करूँ इन चीजों को, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस के दो टाइप्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा। वन टेल टू टेल टेस्ट इसमें बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मजीद देखेंगे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस टॉप पे कवर करने वाला हूँ। सो आई देखें इसको बारी बारी देखते हैं। अच्छा, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस, देखो आप चूंकि स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं आपको एक मतलब फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि स्टेटिस्टिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्क्रिप्टिव मेथड्स पढ़ते हैं, जिस तरह आपने ग्राफ्स पढ़े, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, मीन मीडियन मोड वगैरह, जो डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जिससे हम सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजंस ड्रॉ करते हैं। जैसे एक बड़ी छोटी सी मिसाल आपको मैं बताता हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि आपको किसी हद तक अंदाजा भी होगा कि हम रियल लाइफ में भी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब भी काम कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हम सैंपल पे काम करते हैं, पॉपुलेशन पे काम नहीं करते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी क्लास का जो IQ लेवल है वो क्या है, तो इसमें मैं चूंकि जानना चाह रहा हूँ अपनी क्लास के बारे में, तो जो मेरी क्लास है इसमें जो हम 20-21 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी पॉपुलेशन है। अब यहाँ तो मैं हर एक स्टूडेंट का 21 स्टूडेंट्स का टेस्ट ले लूँ, या फिर मैं एक सैंपल सेलेक्ट कर लूँ सपोज 10 स्टूडेंट्स का, और उनका टेस्ट करके देख लूँ और कहूँ कि सबका ही IQ तकरीबन इतना होगा। तो अगर तो हम सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स निकालते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं, लेकिन जाहिर है इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स या बैकग्राउंड मेथडोलॉजी एक्चुअली इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के स्टूडेंट्स दो बड़े हिस्से हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, एस्टिमेट करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी IQ की बात की, तो मैं 10 स्टूडेंट्स का जो सैंपल था उनके IQ की एवरेज कैलकुलेट कर, तो मैंने क्या किया, एक 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 फार्मूला लगाया और एक चीज को एस्टिमेट कर लिया। ये इस हिस्से में आ रहा है जो हमारे लेक्चर का और सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं इसे इस पर डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ। जो दूसरा हिस्सा है वो है हाइपोथेसिस टेस्ट, यानी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की जो दूसरी ब्रांच है उसे आप कह लें कि वो है हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि एक किसी एक पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा
कि आप लोगों को याद है कि पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है? डू यू रिमेम्बर? पैरामीटर, पैरामीटर वो चीज जो पॉपुलेशन से, हम उसे कहते हैं जो पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन से जो चीज कैलकुलेट होकर आए उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और स्टैटिस्टिक वो चीज जो सैंपल से कैलकुलेट होते हैं। रिमेम्बर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक हम कहते थे ऐसी कैलकुलेशन को जो सैंपल से है, और जो पॉपुलेशन से है उसे हम क्या कहते हैं जी? पैरामीटर कहते हैं। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्या मुराद है कि पैरामीटर के मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट हो। पैरामीटर के मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट होने से मुराद है पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट। जैसे आप ये कहते हैं कि जनाब एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी कहती है जी हमारा ट्यूबलाइट जो है ना ये 100+ डेज चलता है। अब देखो ये जो कंपनी ने क्लेम किया है या एक स्टेटमेंट दी है कि उसने हर एक ट्यूबलाइट के मुतालिक दिया है जो वो कंपनी बनाती है, यानी जितनी भी ट्यूबलाइट्स उस कंपनी ने बनाई हैं ये स्टेटमेंट उसके मुतालिक है। दूसरे लफ्जों में पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक है। भी एक मोबाइल फोन है, जैसे सपोज हुवावे मोबाइल फोन है या सैमसंग है, कंपनी क्लेम करती है जी इसका जो है ना लाइफ टाइम वो जनाब 5 years है, मोर देन 5 years। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कोई अपने 5-7 मोबाइल फोन्स के मुतालिक ये कहा है, या वो जितने भी उस स्पेसिफिक ब्रांड के जितने भी वो मोबाइल फोन बनाएंगे उन सबके मुतालिक है, जाहिर है उन सबके मुतालिक ही कहा है ना। तो वो चूंकि क्लेम जो है, वो जो स्टेटमेंट है वो पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक है, और जाहिर है तो पैरामीटर यूज किया ना, सपोज एवरेज लाइफ टाइम एवरेज यूज की, एवरेज तो पैरामीटर यूज किया ना, पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक की कैलकुलेशन की बात की ना, कि पूरी पॉपुलेशन में जो यानी हर एक मोबाइल फोन या हर एक ट्यूबलाइट ये जो है ना जिसका, जैसे मैं कह देता हूँ जी आते हैं जी है HOD साहब क्लास में आते हैं, कहते हैं जी मेरे क्लास का जो IQ लेवल है ना जी दिस इज अबव 100, तो दिस इज द क्लेम विच आई एम मेकिंग अबाउट माई क्लास, यानी मेरे जो 21 स्टूडेंट्स हैं मैं उन पूरी के मुतालिक कह रहा हूँ कि इनका एवरेज IQ जो है ना वो ग्रेटर देन 100 है, तो मैं पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक क्लेम कर रहा हूँ। अब पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक क्लेम करने से मुराद क्या है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन बट बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक पैरामीटर एंड दैट इज द एवरेज, हेयर एवरेज कह रहा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो होगी पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक स्टेटमेंट लेकिन एक पैरामीटर को यूज करते हुए, तो वो स्टेटमेंट को हमने इवेल्युएट करना है सैंपल से लेकर कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। कंपनी जो कह रही है कि ट्यूबलाइट का चलेगा चलेगा कि नहीं, IQ लेवल का हम कह रहे हैं ये इतना है कि नहीं। जैसे आपकी फील्ड में आप कहते हो जनाब हमारी सोसाइटी में 50% से ज्यादा लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है, आपने सपोज लाहौर में कह दिया या आप एक स्पेसिफिक अपनी कानूनी में कह दिया या किसी जगह पे आपने कह दिया, तो आप उसे इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सैंपल लेकर उसे एवेल्युएट करेंगे कि जनाब इस जगह पर इतना डिप्रेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ठीक है जनाब। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो पूरी पॉपुलेशन के मुतालिक हो किसी पैरामीटर के साथ, उसको सैंपल की बेस पर टेस्ट करने को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो टेस्टिंग ओके टेस्टिंग द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके कुछ स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब आप स्टैटिस्टिकली करते हो तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हाइपोथेसिस बनाना, वो जो अजम्पशन हम कह रहे हैं ना एक स्टेटमेंट किसी पैरामीटर के मुतालिक वो बनाना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप सैंपल लेना और फिर आप उससे कुछ कैलकुलेशंस करना, ये हम देखेंगे। फिर प्रोसीजर है एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन करके ना उसको चेक करना कि यार ये एक्सेप्ट ये जो बात है आप कर रहे हैं ना, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गुजारना उसे, जिसे हम कहते हैं कि उसको चेक करना कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में करेक्ट है या रिजेक्शन रीजन में, शायद इतनी अच्छे समझना है बात आपको। तो एनी हाउ आगे चल के जिसे मैं डिटेल से बताता हूँ, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना, जाहिर है कैलकुलेशन करना फिर एक प्रोसीजर को फॉलो करना फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना, तो इन चीजों के बारे में हम आगे देखने वाले। सो स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ना आप दो बड़े हिस्से हैं, एक
नव हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं ना, जो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो हम हाइपोथेसिस को बिल्ड करेंगे, तो हाइपोथेसिस को बिल्ड करने से मुराद है कि नल हाइपोथेसिस बनाना और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना, ये जरा समझ, ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू बिल्ड और टू मेक द नल हाइपोथेसिस एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बच्चों नल हाइपोथेसिस ये होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कंपनी ने कहा कि जनाब हमारा जो है ना ये ट्यूबलाइट ये 100 डे से ज्यादा चलता है। इसका मतलब है कि उनका जो हाइपोथेसिस है वो आप कह लें कि म्यू ग्रेटर देन 100 है। म्यू मतलब मीन, पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 100, ये दूसरी स्टेटमेंट बनेगी। यानी एक स्टेटमेंट बन गई म्यू ग्रेटर देन 100, दूसरी स्टेटमेंट बन गई म्यू लेस देन इज इक्वल टू 100।